दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज की क्लास होने वाली है जीरो से हीरो, यानी कि जीरो से आपको हीरो बनाने वाले हैं। आज की क्लास होगी फ्रैक्शन से, यानी कि भिन्न से देखने वाले सवाल जो की आपके व्यापम पीएससी रेलवे एसएससी जितने भी परीक्षाएं होती है आप में 2 से 3 नंबर के फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में भी प्यून भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही एसआई भर्ती का जो एग्जाम है 6 नंबर को है। अगर आप लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर पर आप सभी के लिए 3 महीने का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क लाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से, जो आपकी यहाँ पर भिन्न से पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, उसके बाद भिन्नों को जोड़ना भी देखे थे, और उसके बाद कैसे भिन्न बनाना है ट्रिक देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं ट्रिक यानी कि सॉल्व का ट्रिक देखेंगे फ्रैक्शन से, जो कि एग्जाम में आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आप सभी के लिए दिवाली का धमाका के लिए ऑफर लेकर आए हैं, यानी कि इस वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो पर 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 90% आप सभी को गारंटी देता हूं। अगर ऐसी ट्रिक आपको नहीं सिखा पाया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न देखेंगे। वीपी का मतलब होता है व्यापम और पीएससी। ठीक है, व्यापम और पीएससी के लिए खास तौर पर आज के महासंग्राम लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि व्यापम और पीएससी में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न होता क्या है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5/7, 11/13, 7/9 और 13/15, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ट्रिक बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत लोग बच्चों लोगों को कमेंट में आता है कि समझ में नहीं आ रहा है करके, तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए ना भाई, लास्ट तक देखिएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा। वीडियो समझ में नहीं आएगा सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसलाइक कर देना बोल रहा हूँ वीडियो को, ठीक है, या फिर अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए लास्ट तक देखते हैं। 5/7, 11/13, 7/9, देखिए इसको डिवाइडेड यानी भाग से हल करते थे। किससे हल करते थे? भाग से। उसमें बहुत लंबा विधि हो जाता था, यानी कि मेथड बहुत ही लॉन्ग हो जाता था। तो ध्यान से समझिएगा, इसको चुटकियों में सॉल्व कर लो, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको देखते ही आप आंसर में टिक लगा दोगे। कल के वीडियो में आपको भिन्न का बताया था, यह आपका पार्ट 3 वीडियो है, और पार्ट 3 वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ ये व्यापम पीएससी एसएससी रेलवे ग्रुप 3 जितने भी परीक्षाओं में हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन आया है 2 से 3 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा 7/9, ये आपका क्या है, एक भिन्न है, और ये 9/7 ये आपको मिश्रित भिन्न है, इसको नोट कीजिएगा। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया यानी कि ये आपका बन जाएगा। देखिए 7/9 क्या है, यानी कि ये आपका हर हो गया है और ये आपका अंश हो गया है। ठीक है, अंश और हर आप समझते हैं ना, अंश हो गया ये हर हो गया, ये आपका भिन्न होगा, लेकिन ये क्या होगा, हर से बड़ा है, हर से बड़ा है 9, यानी कि आपको मिश्रित भिन्न होगा। अगर मिश्रित भिन्न होगा तो इसको भाग करेंगे कितने जाएगा, 7 नीचे में रहेगा, 7 + 7 ये आपका 2, यानी कि 1 सही 2/7 इसको भाग करेंगे इतना ही आएगा। तो ये आपने अगर ये आपने हटा दिया तो आपका ये भिन्न हो जाएगा, ये आपका 2/7 क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अगर 1/2/7 रहेगा वो आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा। तो चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5/7, 11/13, 7/9 में इसमें अंतर कितना है, 5 और 7 में अंतर कितना है, बताइए 2 का अंतर है। उसके बाद 11 और 13 में 2 का अंतर है भैया, उसके बाद 7 और 9 में भी 2 का अंतर है, उसके बाद 13 और 15 में भी 2 का अंतर है। याद दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अंश और हर में कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर, यानी कि सभी में अंश समान है, सभी में अंश और हर में कितना है, 2 का अंतर, यानी कि सभी में पदों की जो संख्या है समान है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कभी भी समान रहे संख्या तो ये आपको बड़ी संख्या वाली आपकी बड़ी संख्या होगी, अगर छोटी वाली संख्या आपका छोटी होगी। तो देखिए 13/15 सबसे बड़ा है, तो आपका भिन्न सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 13/15 आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर उसी में सबसे छोटा 5/7 है तो आपका 5/7 इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी।
दिवाली का स्पेशल धमाका आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या 5/7 निकल कर आ गया है, उसी प्रकार बड़ी संख्या 13/15 होगी। सेकंड क्वेश्चन देखे हैं जो कि आप आसानी से निकाल लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन है 21/25, 12/16, 14/18, 9/13, इनमें आप अंतर देखते हैं। तो 21 और 25 में अंतर कितना है, 4 का है। उसी प्रकार 12 और 16 में भी 4 का अंतर है, उसी प्रकार 14 और 18 भी 4 का अंतर है, 9 और 13 भी 4 का अंतर है। यानी कि सभी में हर्ष और अंश में ये जो संख्या दिया गया है वो आपस समान है। कल के वीडियो में हमने देखा था ये वाला, जो अगर अंश में अंश और हर में अगर हर समान हो तो बड़ी संख्या वाली बड़ी संख्या होगी। लेकिन अब इसमें देखिए सभी संख्या में पदों की जो संख्या है बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, कोई भी फ्रैक्शन से कोई भी सवाल आए अब आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें 4 का अंतर आया, तो बड़ी संख्या आपको कौन से दिख रही है, अंश में आपकी बड़ी संख्या 21, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 21/25 आपको बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर भिन्न में पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, तो 21/25 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो अंश का सबसे छोटी संख्या 9/13 है, तो आपका छोटी संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार ये आप क्वेश्चन में बनाएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है 11/13, 7/13, 13/17, 23/15, यानी कि इसमें अंश और हर में बिल्कुल अलग अलग है। तो आप जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या आता है कमेंट में बताइएगा। राकेश, राजेश, मोहन, राहुल, गीता, गीतांजलि, सभी का आंसर सही आ रहा है। मोहन का आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। मोहन का आंसर कैसा आएगा, छोटी संख्या कौन सी बता रहे हो, मैं आप सभी को अभी जस्ट बताया हूँ। देखिए 11 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 13 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। इसमें अलग दे दिया है, ठीक है, 5 का अंतर है। 13 और 17 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। उसी पर 23 और 15 में कितना अंतर है, जल्दी बताइए, ये बिल्कुल अलग है ना। 23 और 15 में कितना अंतर है, जल्दी बताइए, 8 का अंतर, बिल्कुल 8 का अंतर होगा। इसको जल्दी से बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये आपका SSC और व्यापम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो 11/13, 7/13, 13/17, 23/35, इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है आपको कि अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये आपने ट्रिक समझ लिया, बिल्कुल व्यापम में आप लोग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, 11 और 13 में 2 का अंतर है, उसी प्रकार 7 और 13 में कितना अंतर है, 7 और 13 में आपका 6 का अंतर है, उसी प्रकार 13 और 17 में कितना का अंतर है, आपका 5 का अंतर है, उसी प्रकार 23 और 35 में 12 का अंतर है, ठीक है। तो जल्दी से बनाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसका अंतर क्या आएगा, कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी। पहला वाला जो बनाया उसको जल्दी से बनाइएगा, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4/5 में 1 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर, 7 और 8 में 1 का अंतर है, यानी कि सभी संख्याओं में हमेशा 1 का अंतर है, यानी कि सभी में समान है। तो इसका बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 7/8 इसका बड़ी संख्या हो जाएगी, उसी प्रकार 4/5 इसका क्या आ जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि आपका 4/5 छोटी संख्या है और 7/8 बड़ी संख्या है, ठीक है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन आया है व्यापम का, ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक व्यापम इसको सॉल्व कर लिए क्या, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन आया है व्यापम का, ए बराबर 2/5, बी बराबर 7/9, ठीक है, उसके बराबर सी बराबर 5/7, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन में दे देता हूँ यहाँ पर, ए बी सी, या बी के लिए हो जाएगा सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, या फिर सी के लिए ऑप्शन है आपका बी ग्रेटर देन ए या फिर सी, इन तीनों में से कौन सा आंसर आएगा। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है पहला, ठीक है, ए बी सी इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये आप सभी को भाग विधि से नहीं बनाया है, जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं उसी से बनाइएगा, उसमें आसानी से बन जाता है। जल्दी से बनाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। राकेश, राजेश, गीता, गीतांजलि, राहुल, क्या है किसका क्या नाम है इसका, गीतांजलि साहू, हाँ, मोहन पटेल, राकेश, राहुल, रोहन,
छोटू जैन, क्या छोटू जैन है क्या? हाँ बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है आंसर है आएगा। चलिए अब कैसा आएगा, जिनका नहीं बना है तो एक बार देख लीजिएगा। 2/5, 7/5, 2/5 में कितना का अंतर है आपका आ जाएगा, 7/9 में कितना का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर है, यानी कि सभी में संख्याओं में हर अंश में समान है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 7/9, इधर आ जाएगा 2/5। तो बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो देखिए 7/9 अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो 7/9 आएगा, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 2/5 होगा, उसके बाद ये 5/7 आपका बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 7/9, तो ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसको देखते हैं 2/5, यानी कि आपको सबसे पहले 2/5, उसी प्रकार आपका आ जाएगा 7/5, ये आपका ये ऐसे क्रम में आएगा, ठीक है। तो आपका ABC आंसर आ जाएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2/3, 4/7 और 5/8 आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको दो तरीका से बताऊंगा इसको, दो तरीके से आसान तरीका बताऊंगा, तब जिस भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको याद कर लीजिएगा या क्लूज ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं भाग विधि बताऊंगा, उसके बाद गुणा वाला बताऊंगा, जो कि गुणा वाला आपके लिए बहुत ही आसान है, आप एक सेकंड में एग्जाम में ऐसे ही बना लोगे, और बेसिक समझने के लिए आप भाग विधि देख सकते हैं। तो सबसे पहले भाग विधि देखेंगे, 3 और 2 में अंतर कितना है आपका, 3 और 2 में अंतर 1 का है, उसी पर 4/7 में अंतर 3 का है, उसी को 5 और 8 में भी 3 का अंतर है। तो चलिए भाग विधि बनाते हैं, तो 2/3 को भाग विधि से बनाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, इसको भाग करेंगे तो 0.66, उसी प्रकार 4/7 को हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5/7, उसी प्रकार 5/8 का करते हैं तो 5/8 का करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा आपका, 0.65, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में लिखेंगे तो आपका ये, इसके बाद ये फिर ये वाला फिर ये वाला, यानी कि 4/7 उसके बाद आ जाएगा ये 5/8 उसके बाद 2/3, ये आपको बढ़ता हुआ क्रम में है, ठीक है, ये आपको बढ़ता हुआ क्रम में है। सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी संख्या 4/7 होगी, उसी प्रकार अगर 2/3 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाता है तो 2/3 आपको बड़ी संख्या हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 4/7 हो जाएगा। ये आपका तो रही भाग विधि वाला। इसके बाद देखिए गुणनखंड वाला, जो कि सबसे आसान तरीका है, समझ में नहीं आएगा वीडियो को डिसलाइक कर देना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2/3 है तो 2/3, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/8। अब देखिए इसको गुणनखंड में कैसे बनाते हैं, 7 × 2 = 14 और 4 × 3 = 12, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 14 या 12 कौन सी है बड़ी संख्या, ये वाली, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ से, अब 5 × 15 और 8 × 16, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, ये 16 आ रही है, यानी कि 2/3, तो सबसे बड़ी संख्या 2/3 है ना। तो अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो 4/7, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12 आ रही है, और ये आप पर 16 आ रहा है, ठीक है, ये आपको 15 आ रहा है, उसी पर कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिएगा सबसे छोटी संख्या है, उसके नहीं सबसे बड़ी संख्या बताया ना मैं, सबसे बड़ी संख्या है ये, उसके बाद ये आपको 5/8, उसी प्रकार 4/7, यानी कि सबसे छोटी संख्या 4/7 होगी। अगर अवरोही क्रम में लिखना है तो ये तरीका बनाइएगा, अगर आरोही क्रम में लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 4/7, उसके बाद 5/8, उसके बाद 2/3, ये आपका हो गया अवरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और ये आपका हो गया अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, ठीक है, यहाँ पर नोट की लीजिएगा, ये आपका घटता हुआ क्रम है और ये आपका बढ़ता हुआ क्रम, या कोई भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे तरीके से बनाना है, ठीक है। देखिए अभी दिवाली का सीजन चल रहा है तो बहुत लोगों का इधर उधर माइक वाइक चल रहा है ना, डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो क्लासेस को लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत मेहनत से ये वीडियो लाया हूँ मैं, क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह आपका क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कमेंट कीजिएगा। ये जो बार वाला प्रश्न है हमेशा परीक्षाओं में पूछता है,
ये आपने वीडियो में नहीं देखा है तो ये पार्ट वन वीडियो में हमने बता दिया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वो वीडियो आपने जाके देख लीजिए, पूरे बेसिक के साथ मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, ये पी का मतलब बार का मतलब होता है हमेशा, जैसे कि अगर पी का बार दे दिया गया है तो कैसे लिख सकते हैं पी बटा नौ, उसी प्रकार अगर पी बाई क्यू का दोनों का बार दिया तो हम क्या लिख सकते हैं P बाई क्यू का बार दोनों का बार यानी कि 999 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं P बाई क्यू का बार, यानी कि इसका मतलब होता है इसमें P में नहीं दिया, सिर्फ सिंगल Q में दिया है, तो कैसे लिख सकते हैं P बाई क्यू माइनस P बटा, ये ऐसे लिख सकते हैं ये प्रकार, इसको नोट कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला आपका फार्मूला है जो कि इस वाले में बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.3 का बार का मतलब होता है 3/9, उसी प्रकार 6 का बार हो जाएगा 6/9, उसी प्रकार 2 का बार हो जाएगा 2/9। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आपका 9 आ जाएगा, उसी प्रकार ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से अगर 9 को करेंगे 9 + 9 तो ये आपका 3 + 6 + 2, अब इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 9 + 10 = 11, यानी कि आपका आंसर 11/9 आ जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके व्यापम में आता है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं 0.6 का बार प्लस 0.7 का बार प्लस 0.11 का बार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 0.6 का बार का मतलब 6/9, उसी प्रकार 7 का बार का मतलब 7/9, उसी प्रकार 0.11 का बार का मतलब 11/9। ठीक है, चलिए इसको एक ले लेता हूं मैं, चलिए ठीक है इसको एक ले लेते हैं, तो 1/9 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6/9 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6, 7 और 1 को जोड़ देंगे, 6 + 7 + 1, अब इन सभी को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितना होता है, 14, यानी कि आपका 14/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऐसे ही सरल करते हैं क्वेश्चन, जो कि आपकी व्यापम पीएससी एसएससी रेलवे जितने भी परीक्षाएं होती है आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।